हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है सादत अली और मैं अभी जिस जगह पे खड़ा हूं उस जगह का नाम नहीं आपको बताऊंगा, पहले उसका व्यू चेक करवाऊंगा। बहुत ही खूबसूरत जगह है। एक तरफ जॉगिंग ट्रैक है, दूसरी तरफ समुंदर है। जॉगिंग ट्रैक के साथ गाड़ियों के लिए रोड है, बीच में वो भी आपको दिखाऊंगा, वो क्या है आप खुद ही देख लो। तो दोस्तों, जॉगिंग ट्रैक और समुंदर के बीच में ये जगह है, हज़ारों खजूरें लगी हुई हैं और बीच में घास है और फैमिलियों के बैठने के लिए बहुत अच्छी जगह है। रात के टाइम यहाँ पे फैमिलीज आती हैं, बैठती हैं, पिकनिक वगैरह करती हैं। दूसरी तरफ से भी आपको दिखाता हूँ, ये चेक करें, ये चेक करें। तो दोस्तों, खजूरों और घास की लंबाई तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर बनती है। ये खजूरें और घास ओमान के बॉर्डर के साथ लगती हैं। रात के टाइम अरबी फैमिली, खारजी फैमिली यहाँ पे पिकनिक के लिए आती हैं। यहाँ पे फास्ट फूड भी है, इसलिए रात के टाइम यहाँ पे ज़्यादा रश होता है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको समुंदर की तरफ लेके जाऊँगा। शाम होने वाली है, अंधेरा होने से पहले आपको समुंदर का व्यू भी दिखाता हूँ, चलें। तो दोस्तों, ये जॉगिंग ट्रैक है, एक ये है, एक दूसरी तरफ है, वो भी आपको दिखाऊंगा। ये ट्रैक समुंदर के साथ लगता है। ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, इन पत्थरों की बैक साइड पे समुंदर है। आगे जाके आपको समुंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। ये पोल जो आप देख रहे हैं, एक पोल ये है, एक दूसरी तरफ है। यहाँ पे अरबी लड़के आके अक्सर खेलते हैं, कभी कभार मैंने देखा है इनको खेलते हुए। और ये पत्थर आपको नज़र आ रहे होंगे, इन पत्थरों की बैक साइड पे समुंदर है। आगे जाके आपको समुंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। यहाँ पे बैठने के लिए भी जगह बनी हुई है, ये बेंच वगैरह सारे बने हुए। दूसरी तरफ हर तकरीबन 100 मीटर के फासले पे बेंच बना हुआ है। ये मछली पकड़ने वाले जाल पड़े हैं। सुबह के टाइम यहाँ से मछली निकाली जाती है, समुंदर से सुबह के टाइम निकाली जाती है। और अभी मैं समुंदर की तरफ जा रहा हूँ, आपको समुंदर का व्यू भी दिखाता हूँ। दोस्तों, अभी मैं समुंदर के पास खड़ा हूँ, उसका भी व्यू दिखाता हूँ, लेकिन ये पहले व्यू चेक करें आप, ये चेक करें, ये समुंदर की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये क्या इन्होंने रखा हुआ है खूबसूरती के लिए, ये भी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, वो भी चल के देखते हैं। वो सामने समुंदर है, इस्लामिक आर्ट फेस्टिवल। तो दोस्तों, समुंदर का व्यू चेक करें, बहुत ही प्यारी जगह है, पिकनिक के लिए बहुत अच्छी है। वो जो आपको शायद लाइटें नजर आ रही होंगी समुंदर के बीच में, ये शिप खड़े हैं। शिप बड़े होते हैं तो ये गहराई में खड़े होते हैं, किनारे पे नहीं आ सकते। तो दोस्तों, आपने समुंदर का व्यू देखा, पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। जगह का नाम आपको मैं बाद में बताऊंगा, पहले उस तरफ लेके चलता हूँ, वो भी आप देख लें, फिर आपको जगह का नाम बताऊंगा। पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, फैमिली बहुत आती है रात के टाइम, फास्ट फूड भी है साथ में और इंजॉय के लिए बहुत अच्छी जगह है। ये मेरे पीछे समुंदर है जो मैंने आपको बताया, अभी मैं आपको इस तरफ लेके चलूंगा। जॉगिंग ट्रैक है और साथ रोड है गाड़ियों के लिए, और वहीं पे फास्ट फूड है, सारे आपको चल के दिखाता हूँ। दोस्तों, मैं इस जगह के करीब पहुँच गया हूँ, अभी मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। चल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा कि वहाँ पे पहुँच जाऊँ, लेकिन उसके करीब ही हूँ, अभी दिखाता हूँ। अभी मैं बैक कैम से,
तो दोस्तों फाइनली मैं उस जगह पे पहुंच गया हूँ। अभी मैं आपको बैक कैम से वो सारे फास्ट फूड दिखाऊंगा, जॉगिंग ट्रैक दिखाऊंगा और साथ में गाड़ियों के लिए रोड, बहुत खूबसूरत रोड बनी हुई है, आप चेक करें। तो दोस्तों ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है बर्गर किंग फास्ट फूड और दूसरी तरफ है टेक्सास चिकन, उसके साथ एक रेस्टोरेंट है, बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है ये, और साथ ही इस्लामिक दुबई बैंक भी है। और जिस जॉगिंग ट्रैक की मैं बात कर रहा था ये वो जॉगिंग ट्रैक है, इसकी लंबाई तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर होगी। दूसरी तरफ से भी आपको दिखा देता हूँ, ये जॉगिंग ट्रैक की दूसरी साइड है और बीच में तो आपको दिखा चुका हूँ, और वो दूर जो आपको नज़र आ रहा है ब्लू कलर का वो समुंदर है। दोस्तों ये गाड़ियों के लिए पार्किंग बनी हुई है, ये देखिए गाड़ियों के लिए रोड है, एक जाने वाली है और एक आने वाली रोड है। बहुत सी फैमिली रात को यहाँ पे विज़िट करती हैं बैठने के लिए, आउटिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैं अभी जॉगिंग ट्रैक पे चल रहा हूँ, दुबई इस्लामिक बैंक के साथ पिज़्ज़ा हट है फास्ट फूड और KFC भी है, और बीच में जो मस्जिद बनी हुई है वो यहाँ का शेख है, उसने बनवाई हुई है, छोटी सी मस्जिद है, बहुत प्यारी मस्जिद है। अभी मैं आपको उस मस्जिद का व्यू भी दिखाऊंगा। दोस्तों अभी मैं उस जगह के पास पहुंच गया हूं, अभी मैं आपको बैक कैम से दिखाऊंगा। पिज़्ज़ा हट है, KFC है, उसके बीच में मस्जिद बनी हुई है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बैक कैम से वो मस्जिद भी दिखाता हूं, KFC और पिज़्ज़ा हट। अभी मैं बैक कैम ऑन कर रहा हूं। दोस्तों ये मस्जिद है, ये शेख ने बनवाई हुई है, एक तरफ KFC है, ये KFC है, और दूसरी तरफ ये पिज़्ज़ा हट है। ये जो शेख है यहाँ का, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ अभी उसका नाम भी आपको बताऊँगा, ये उस शेख ने बनवा के रखी हुई है। तो दोस्तों मगरिब की अज़ान हो चुकी है, यहाँ पे शाम हो चुकी है, अंधेरा भी हो चुका है, अभी मेरी एक्सरसाइज का टाइम भी हो चुका है, तो अभी मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। लेकिन उससे पहले आपको जगह का नाम बताता हूँ, जगह का नाम है कल्बा, कल्बा कार्निश बीच, कल्बा कार्निश रोड, और जो मस्जिद दिखा रहा था वो कल्बा के शेख ने बनवाई है, कल्बा के शेख ने मस्जिद बनवाई है, वहीं पे वो नमाज़ पढ़ते हैं, सुना है लोगों से, पता नहीं है, मुझे कन्फर्म नहीं है, मैंने देखा नहीं है अपनी आंखों से कि वहाँ पे नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन सुना है कि कल्बा के शेख वहीं पे आके नमाज़ पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे पूरी तरह अंधेरा हो चुका है, मेरी एक्सरसाइज का टाइम भी हो रहा है। वीडियो के शुरू में मैंने आपको जगह का नाम नहीं बताया था, तो अभी आपको जगह का नाम बताते हैं। जिस जगह पर मैं हूँ उस जगह का नाम है कल्बा कार्निश, कंट्री है UAE, शारजा स्टेट, और ये शारजा का छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत खूबसूरत बना हुआ है। इस कस्बे के साथ ओमान का बॉर्डर भी लगता है। तो दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।